and very warm welcome to Spanish PK. My name is Mian. You know, everyone like to have beautiful skin, healthy skin, young, fresh skin. Let's talk today about wrinkles, anti-age, what is the cost, and how we can protect our skin, and what we should eat, and what we should avoid. Let's talk on that. जैसा कि आपको पता है, हर एक चाहता है या उसकी ख्वाहिश है कि उसकी जिल्द, उसकी स्किन यंग और फ्रेश हो, जैसे जवान जवानी की तरह रहे, ना कि उस पर उसकी झुर्रियाँ आएँ, उसके रिंकल्स आएँ. तो उसके लिए इन्हीं के लाखों हज़ारों यूरो स्पेंड किए जाते हैं कॉस्मेटिक पे, जो प्रॉमिसेस देते हैं आपको कि उनकी ये यूज़ करने से आपकी जिल्द यानी कि आपके रिंकल्स वो आपको नहीं होंगे, यानी कि आपकी स्किन यंग रहेगी. तो इस पे आज बात करते हैं. आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें आपके रिंकल्स को आप गुड बाय बोलें, यानी कि उनको ख़त्म कीजिए. हम बात करते हैं कोलेजन की. कोलेजन क्या है? कोलेजन ये प्रोटीन है जो हमारी डाउन स्किन, जो डाउन पार्ट जो होता है हिपरडर्मा, मतलब जो डाउन स्किन की जिल्द होती है उसके अंदर होता है ये एक प्रोटीन फैट जो देता है, ये वो है. जब हम पैदा होते हैं, आप हमारी स्किन देख के कैसी फ्रेश होती है, कैसी इलास्टिक होती है, क्योंकि हमारे में काफ़ी कोलेजन होता है, ये हमारा नेचुरल प्रोड्यूस होता है. ज्यों ज्यों एज हमारी बढ़ती है, हम यानी कि यंग होते हैं, जब हम मिडिल एज में जाना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे कोलेजन हमारी स्किन उसको इतना प्रोड्यूस नहीं करती और हमारी स्किन और थिनर हो जाती है, पतली स्किन जिल्द हमारी शुरू हो जाती है होना, क्योंकि हमारी बॉडी इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही कोलेजन. सो कोलेजन को यानी कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी स्किन में कोलेजन हो. मीन इसमें आप फूड भी ले सकते हैं और इसमें सप्लीमेंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, इसमें क्रीम्स भी आती हैं, जो कि बहुत बहुत एक्सक्लूसिव क्रीम्स जो हैं कंपनी जो प्रोमिसज देती हैं आपको कि उनमें कोलेजन है. तो इसमें हम इजी आपको बात करते हैं. मोस्टली जब आप देखते हैं कई बार डॉक्टर जो आपको इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के अंदर, वो भी आपको कोलेजन के इंजेक्शन लगाते हैं आपकी स्किन के अंदर, कि आपका जो फैट है, जो फैटी जब आप पैदाइश होती है, जब आप यंग होते हैं, जो आपकी स्किन के अंदर फैट होती है, वैसे ही अगेन वो आपको फैट दे सकें, तो जिससे आपकी जिल्द यंग रहे. इसके सिंपल प्रोसेस हैं. यानी कि हिपर दिनों में जो होता है, जो हिपरडर्मा जो होता है, यानी कि लार्ज जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, जो नाड़े होती हैं, उसके अंदर होता है फिब्रोलास्ट जो होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है टू कीप अलास्टिक स्किन को, और इसके अलावा यानी कि कोलेजन का प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी इससे ज़्यादा पैदा होते हैं. और एज के साथ हम ये लूज शुरू हो जाते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मीन सबसे जो पहले हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए. जितना आप ज़्यादा ड्रिंक पानी पिएंगे, हाइड्रेट रखेंगे, आपकी उतनी ही स्किन फ्रेश और हेल्थी रहेगी. मीन जो ज़्यादा पानी पीता है उसको इतनी उसके हमेशा देखिए उसके रिंकल वगैरह बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि उसकी स्किन हमेशा यंग और फ्रेश रहती है, क्योंकि वो काफ़ी हाइड्रेट करता है. और इसके अलावा आपको कोलेजन लेना चाहिए, मतलब आपको जैसे बोला इसके फूड भी हैं और इसके सप्लीमेंट्स भी हैं और इसके टैबलेट्स भी हैं, और इसके साथ विटामिन सी. जब आप कोलेजन लेते हैं आपको विटामिन सी चाहिए. विटामिन सी यानी कि इसके काफ़ी आपको हेल्प करता है. जब विटामिन सी आप कोई भी चीज़ लेते हैं, विटामिन सी उसके साथ आप यूज़ करेंगे, वो ऑलवेज आपकी बॉडी उसको जल्दी कैच करती है, क्योंकि ये मोर ईजी होता है, ये मिनरल आपके ब्लड के अंदर मोर जल्दी हर चीज़ को मिक्स हो जाती है. विटामिन सी हमेशा हेल्प करता है, कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसके साथ विटामिन सी यूज़ करें, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है. इसके अलावा एसिड एसिड अलरोनिको, फैट एसिड, ओमेगा 3
फैटी एसिड, ये बहुत अच्छी चीज़ है ये जब आप लेते हैं। इसके अलावा फूड में हो गया फिश हो गई, एग, एग का वाइट पार्ट हो गया, वाइट टी हो गई, ब्रोकोली हो गई, अवोकाडो हो गया, ये सब यानी कि सोप हो गया। सोप के अंदर फ्रेश वेजिटेबल और हड्डियाँ डाल दी, यानी कि चिकन चिकन का सूप बना के भी उसके अंदर यानी कि गाजर डाल दी और फ्रेश वेजिटेबल डाल ली है, उसका सूप ही ये बहुत अच्छा होता है। इससे भी आपके कोलेजन और बढ़ते हैं आपके, यानी कि ये कुदरती वे आप बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा येलो रेड वेजिटेबल, इसके अंदर भी काफ़ी कोलेजन होता है। और इसके अलावा फ्रेश जो है आपके फ्रूट्स उसके अंदर, यानी कि क्रंसबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रेड फ्रूट्स हो गए, सिथरो हो गया, ये सब में काफ़ी कोलेजन होता है। और इसके अलावा कोलेजन यानी कि एक्चुअली कोलेजन आपको इसके अलावा, और जो अल्कोहल पीते हैं उनको मैं अवॉइड मना करूँगा, वो अल्कोहल ना यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका हाइड्रेशन यानी कि आप ड्राई करते हैं, ये आपके स्किन इस जो ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले होते हैं हमेशा आप उनको देखेंगे उनके स्किन बहुत ही थिनर होती है और दे हैव मैनी रिंकल्स, उस उनके ऊपर बहुत ही रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं और अल्कोहल पीने वालों को। इसके अलावा जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं इससे आपका तो एक ब्रेन यानी कि आपको इसके साथ सब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इससे। हाँ, और मैं मना करूँगा जो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग पीपल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोक से आप आपके जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स नहीं होती, तो इससे आपको भी काफ़ी यानी कि झुर्रियाँ रिंगल्स आने का चांस होता है, इसलिए आपको सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, ये भी सिगरेट ख़राब है। तो ये तो चीज़ें हैं जो कोलेजन होता है, जितना मैक्सिमम आप लेंगे आपको अच्छा है। इसके पाउडर फॉर्म में भी आता है, या तो फ्रूट्स में तो आता ही, वेजिटेबल में तो आता ही आता है, मगर आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर रही, एज के साथ हम ये लूज़ करते जाते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको नेचुरली आप अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं रिंकल से और एंटी और एज आपको से। एक्सरसाइज थोड़ी करनी है सुबह या शाम को उठ के, यानी कि आपको यानी कि हाथों को अबाउट कोई 5-10 सेकेंड अपने आप को यहाँ पे बीट करना थोड़ा थोड़ा, और उसके अलावा आपको अपने सर के ऊपर और फिर अपनी नेक के ऊपर सुबह शाम को करना है। इससे आपकी यानी कि सर्कुलेशन जो आपके खून ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो इससे सर्कुलेशन होती है आपके जिसम आपके फेस के ऊपर, जिससे आपका ब्लड ज़्यादा सर्कुलेशन होता है और आपके रिंकल्स और रिंकल्स कम होने में और आपको इस एंटी एज होने में आपको हेल्प करती है। इसके अलावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप जब यंग होते हो तो आपकी स्किन ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है, जब आप बाहर जाते हो मतलब सन आपको अफेक्ट करता है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ SPF 30 और 50, यानी कि आपको सन प्रोटेक्शन क्रीम चाहिए फेस के लिए, SPF 30 या 50 आप यूज़ कीजिए, और आपको सूरज की किरणों से आपको बचाना है, क्योंकि सूरज की किरणों से आपका काफ़ी इफेक्ट करता है आपका फेस, इससे आपको आपके स्पॉट यानी कि आपको दाग पड़ते हैं और आपको रिंकल्स आते हैं। और कोलेजन एक और हेल्प करता है, जब आप कोलेजन लेते हैं यह आपका जो कलर होता है इसको ज़्यादा ब्राइट करता है, यानी कि आपका आपका कलर और ज़्यादा सफ़ेद करता है यानी कि कोलेजन। ये इसके अलावा ऑलवेज लाइक दैट हर चीज़ के लिए आपको एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज आल्सो हेल्प यू टू सर्कुलेशन योर ब्लड, और ये अच्छा है आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है एक्सरसाइजेस। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई सवाल पूछना और कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो आपकी तरफ से, राइट मी इन कमेंट। और अगर आपको हम फ़ायदा दे रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो से खुश हैं, हमारे काम से खुश हैं, तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, ये चीज़ें शेयर कीजिए और अगले आपके दोस्तों या फैमिली को भी पता चले कोलेजन के क्या फ़ायदे हैं। इफ़ यू लाइक इट आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, यू एंड योर फैमिली।